आगे बोलते हेलो डॉक्टर अन्ना अन्ना ऐसे हो रहे ऐसे हो रहे ठीक है ठीक है तो भैया आगे बोलते हेलो डॉक्टर कैसे आप सब विराम ऐसे बोल रहे लो 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 ठीक है हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब आज मेरी मम्मी ना पहाड़ी डिश बनाएगी बहुत मजा आएगा सबसे पहले तो नमस्ते और प्रणाम चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं चलो अब लो 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 देवांशी तूने अच्छी खासी चिड़िया को कौवा बना दिया हेलो दोस्तों आज भी एक नया दिन वही पुराने कपड़ों के साथ हम बना रहे हैं पहाड़ी डिश आजकल ना रोज पहाड़ी डिश बना रहे हैं हम लोग और स्पेशली ये मम्मी के लिए हम बना रहे थे मम्मी की तबीयत ना पहले से बहुत ही बढ़िया है तो मम्मी चलेगी मेरी सिस्टर के घर पे चलेगी मम्मी है ना और मम्मी कह रही है कि वहीं से वो लंच करके आएगी तो अब इतना सारा हम कैसे खाएंगे तो थोड़ा सा रात के लिए बचा के रखेंगे है ना और आज संडे भी है तो बच्चे घर पे है ना इसीलिए मम्मी वहां पर चली गई मेरी बहन का घर भी पास में ही है ना तो वहां पर भी भांजा भांजी रहते हैं है ना पोता पोती नाती नतिन तो मम्मी को अच्छा लगता है मतलब है ना और अगर दूर रहते तो फिर मुश्किल होता तो पास में यही फायदा है खा लो दोस्तों कल ना एक कमेंट आया था कि जो मेरा साला साहब है ना कहीं पर उसकी बाइक गिरी थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है वहां पर ना तेल गिरा हुआ था रोड पे है ना तो वो फिसल गया था तो अभी वो चिपल गया हाँ चिपल गया था वो लेकिन कोई चोट नहीं लगी मतलब शुक्र है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा बट थैंक यू सो मच आप लोग है ना हमें कंसर्न हमारे लिए कंसर्न करते हो एक दिन पता है क्या मेरा साला साहब तो बताता है नहीं तो आप लोगों के कमेंट से हमें पता चल जाता है तो बहुत बढ़िया लगा कमेंट करते रहना और जो भी ये बाहर करता है वो बताते रहना हमको अच्छी बात ये है कि किसी को चोट नहीं पहुंची है ना मेरे साले साहब ने बोला है कोई नुकसान नहीं हुआ है और सुना खाना बहुत ही टेस्टी बनाती है राशि थैंक यू सो मच तो दोस्तों ये तीनों के तीनों ना सबसे पहले से खाना खा रहे हैं और सबसे लास्ट तक यही खाते हैं और कभी कभी तो मेरे हस्बैंड पता क्या बोलते हैं कि मैं अभी नहीं खा रहा हूँ खाना और जैसे ही मैं बर्तन अंदर रखने जाती हूँ ऐसे बोलते हैं चल मेरे लिए भी रख दे कैसा बनाया खाना बताओ अरे कमीज़ बटन खुल गई इनका बढ़िया खाना बनू दगड़ियो खाना बनू जबरदस्त मेरी बुआ ना जबरदस्त खाना बना अभी हम लोग कहीं जाएंगे है ना तेरा पेपर है पेपर पेपर की तैयारी कर कहाँ कहाँ मत करो दोस्तों आजकल जब भी मैं खाना खा रही हूँ ना तो मेरे पेट में ना दर्द होने लग जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या करूं Why this is happening? Why? I don't know. Why you don't know? Only दर्द happening. दोस्तों जुखाम भी लगी है तो सड़क सड़क भी हो रहा है हम लोग खाना खा रहे हैं तेरा सड़क सड़क और पता क्या है मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे हैं कि ये जो मैंने कंगन पहने हैं ना इनको उतार दे ये अच्छे नहीं लग रहे बल तू पता नहीं कहाँ से लेके आई है तो इतने अच्छे कंगन है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना कि आप बुध बाजार का माल है बुध बाजार का हो या शनि बाजार का हाथ में ही तो पहनना है बस बस ये है कि चीज चलनी चाहिए
राइट। मेरे नाम के कंगन है ना तो बढ़िया होने चाहिए। कहाँ पे लिखा है आपका नाम पहले जरा बताना। नाम नहीं लिखा है लेकिन मेरे नाम के हैं। और ये देखो दोस्तों ये नकली है। पता नहीं असली कब बनाएंगे, कब से बोल रहे कि असली बनाऊंगा लेकिन अभी तक नहीं आया दोस्तों। कब आएगा? अगले साल तक आ जाएगा। तो दोस्तों मैं मजाक कर रही हूँ, अब मैं असली ना यहाँ नहीं पहनूंगी, कहीं वो भी चोर ले जाएगा तो अब नकली। अब मैंने ना सारे कान के ये सब उतार दिए और नकली पहन ली। सच में यार, मतलब दिल्ली में इतनी ज्यादा चोरी होती है ना। एक बार मेरे पतिदेव का आईफोन चोरी हो गया था, बस ऑटो वाले से बात कर रहे थे ऐसे करके मुंडी अंदर और फोन बाहर। चोर ने बोला बेटा तू अंदर ही बात करता रहे, मैं तो गया तेरा फोन लेके। अगर मेरी पकड़ में आता ना तो पता चलता उसको। तो ऐसे लेकिन बाइक में थे ना वो। चोरी होने से पहले सब ऐसे ही बोलते हैं। मैं भी ऐसे बोलती थी कि मेरे सामने आएगा ना चोर तो मैं उसकी मुंडी ऐसे मोड़ दूंगी। आईफोन 7 था मेरे पास, मेरा पहला फोन आईफोन। और उसके बाद पता क्या हुआ? मैं था आनंद विहार बस अड्डे के पास। हाँ। अपने एक दोस्त को छोड़ने गया था, वो भी चला गया। अच्छा वो भी चला गया। अच्छा दोस्त नहीं था वो। और उसके बाद पता क्या हुआ, मेरी छोटी वाली ननंद है ना, सबसे छोटी वाली, उसकी शादी थी मसूरी में, और उस टाइम में मेरे हस्बैंड का ना एक फोन वहां भी चोरी हो गया। अरे पापा, होटल के अंदर से चार्ज पे लगा रखा था। बिल्कुल किसी की कोई गलती नहीं थी। अब बिल्कुल नया फोन था, बिल्कुल नया है ना। पापा ने उसी को दिला पापा ने ना मेरी सबसे छोटी वाली ननंद को दिला रखा था फोन। तो इनका फोन खो गया था तो उसने बोला कि भैया इसको यूज कर लो। दा भैया की किस्मत में वो वाला फोन भी नहीं था। अरे पापा। तो जब भी चोरियां होती है ना तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मतलब हम लोग ध्यान नहीं देते। हम लोग जब वो बाइक वाला गया था ना ऑटो के अंदर बात कर रहे थे तो आप बैठ जाते, ऑटो वाले भैया को बोले थे उस बाइक वाले के पीछे चलो, बस इतना दिमाग नहीं आया था। मेरे हस्बैंड बोल रहे सोचने का टाइम ही नहीं मिला। दोस्तों इन्होंने ना प्रेशर कुकर भी सपाचट कर दिया। प्रेशर कुकर छोड़ दो यार, खाना खा लो भली। कल से खाना किसमें बनाएंगे? ये भी नहीं है क्या तुम्हें? तो दोस्तों ये वाली जो चेयर है ना ये बहुत ही मजेदार है, इसमें हम लोग झूला भी झूल सकते हैं। तो जब भी मैं खाना खाती हूँ उसके बाद में जरा इसमें घूमती हूँ थोड़ा, और मेरे हस्बैंड बोलते हैं ये मेरी चेयर है डोंट सिट देयर। तो मैंने कहा आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। दोस्तों मेरी इंग्लिश ना इतनी अच्छी है ना कि मेरे हस्बैंड भी फेल है। दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में नए दिन में, है ना। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ। हमारे ब्लॉग को लाइक कर दो रे, शेयर कर दो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सो जाओ रे। मेरी चुतिया देखो, मेरी चुतिया।